जनरली मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाई मेजोरिटी बटरफ्लाई का जो जेनस है वो है चिटोडॉन। चिटोडॉन जेनस के सारे स्पीसीज है और चिटोडॉन जेनस का हंड्रेड ऑफ स्पीसीज अवेलेबल है, लेकिन वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं बटरफ्लाई के ऊपर डिस्कस करेंगे जो इजीली अवेलेबल है, जो आपको दिख सकता है और आप जो रख सकते हैं या जो जनरली हमारे पेट में यूटिलाइज होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो फिश है दैट इज चिटोडॉन बैरोनेसा। ये बटरफ्लाई का जो कॉमन नेम है वो है ट्राइंगुलर बटरफ्लाई। ट्राइंगुलर नेम, इसका जो शेप आप देख रहे हैं बॉडी शेप ट्राइंगल शेप है, इसलिए उस शेप के ऊपर है। ये रेंज कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न पैसिफिक टू सेंट्रल इंडो पैसिफिक। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक से लेकर सेंट्रल इंडो पैसिफिक तक ही पाया जाता है। ये मैक्सिमम 6 इंच तक बड़ा हो सकता है। ये जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई इज नॉट इजी एट ऑल। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट बटरफ्लाई है टू कीप। डिफिकल्ट इन विच कॉन्टेक्स्ट? डिफिकल्ट मीन्स सबसे पहला पॉइंट है इसका वाटर पैरामीटर। इट रिक्वायर्स अ फाइन 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 क्वालिटी ऑफ वाटर। यूजली हमारे वाटर पैरामीटर में बहुत अप डाउन होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये बटरफ्लाई वाटर पैरामीटर चेंज या वाटर पैरामीटर का हेयर लाइन वाइब्रेशन भी टॉलरेट नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा है इसका फीडिंग प्रॉब्लम। ये बटरफ्लाई यूजली ड्राई फूड में नहीं आता है, ये रीफ ओरिएंटेड बटरफ्लाई है। रीफ ओरिएंटेड मीन्स रीफ फूड ओरिएंटेड। इसका मेन प्राइम फूड ही है कोरल बेस्ड। ये रीफ के कोरल के पॉलिप्स को टिंगलिंग करता है, वहाँ कोपीपॉड ऑर्थोपॉड एंथ्रोपॉड ये सब खाते हैं और कोरल के पॉलिप्स कोरल के टिश्यूज को खाते हैं। उनमें जो कोरल में जो एल्गीज होते हैं वो खाते हैं। उससे इनका खाना बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा लो टेम्परेचर में रहते हैं। लो टेम्परेचर का बटरफ्लाई है, थोड़ा डार्क एरिया का है, बहुत फ्रिकी बटरफ्लाई है, बहुत डरपोक टाइप बटरफ्लाई है। थोड़ा छुपा छुपा रहता है, डरा हुआ रहता है, रॉक के अंदर रहता है, तो बहुत फ्रिकी ऑफ रॉक चाहिए होता है। हालांकि ये कॉमन फैक्टर है सारे बटरफ्लाई के तरह, इसके लिए भी स्पेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा स्पेस में अच्छा रहता है। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है फीडिंग इशू, जो अगर आप फ्रोजन फूड देंगे तो ही आप इसे रख पाएंगे। नेक्स्ट है इसका वाटर पैरामीटर, वाटर क्वालिटी बहुत फाइन क्वालिटी चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए थोड़ा लो चाहिए, मीन्स बिलो 28 टेम्परेचर में ये अच्छा रहता है, 28 के ऊपर टेम्परेचर में ये मछली अच्छा नहीं रहता है। और वाटर डेंसिटी भी थोड़ा हाई चाहिए होता है इसके लिए, वाटर डेंसिटी इसका 24-25 के आसपास चाहिए होता है। बिलो 20 डेंसिटी का अगर टैंक हो तो ये बटरफ्लाई सर्वाइव नहीं करता है। सो मोर ऑर लेस ये सब कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आए तो ही आप इस मछली को अपने टैंक में रखने का रिस्क लीजिए। अदरवाइज ये मछली बिगिनर्स या ओल्डर्स किसी के लिए भी, हमारे लिए ये मछली बहुत ज़्यादा सुइटेबल तो मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर कॉमेंट में बताइए। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अगला फिश है दैट इज चिटोडॉन डेकस्टस। कॉमन नेम पेंटेड बटरफ्लाई, ब्लैक पिंट बटरफ्लाई। रेंज ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये इंडियन ओशन टू ईस्ट अफ्रीका, हमारा इंडियन ओशन एटलस में इंडियन ओशन से लेकर मतलब इंडिया के नीचे से लेकर अफ्रीका तक, वहाँ तक इस रेंज में ये पाया जाता है। इसका साइज मैक्सिमम साइज 7 इंच तक ये बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा होता है ये बटरफ्लाई। इसके बाद अगला जो बटरफ्लाई है वो चिटोडॉन वेगाबंडिस है, उसके ऊपर हम बोलेंगे। ये दोनों बटरफ्लाई बहुत सिमिलर देखने में है, यूजली बिगिनर्स इन दोनों बटरफ्लाई को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये दोनों बटरफ्लाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेचर में काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी अलग चीज़ है। ये मैं आपको बताऊंगा और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप दोनों मछली को एक ही मछली समझेंगे, इसलिए आपको दोनों मछली पैरेलली जानना बहुत ज़रूरी है। एक मछली चिटोडॉन डेकस्टस, दूसरा मछली चिटोडॉन वेगाबंडिस। चिटोडॉन डेकस्टस को पेंटेड बटरफ्लाई कहते हैं, ब्लैक पेंट कहते हैं, और चिटोडॉन वेगाबंडिस को वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई कहते हैं। तो वेगाबॉन्ड का नेचर और पेंटेड बटरफ्लाई का नेचर थोड़ा अलग है, इसलिए दोनों देखने में सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, इसलिए आपको दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है दोनों को रखने के लिए। ये पेंटेड बटरफ्लाई थोड़ा डीप सी का बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई डीप सी में, डीप रीफ में रहता है, थोड़ा डार्क एरिया में रहता है। यहाँ पर इसके लिए डेंसिटी बहुत मैटर करता है, थोड़ा हाई डेंसिटी में रहता है। हाई डेंसिटी का ये बटरफ्लाई है। जनरली एक्वेरियम में आप इजीली इसे फिश ओनली में रख सकते हो, रीफ टैंक में नहीं। रीफ टैंक में ये कोरल को टिंगलिंग कर देंगे, कोरल पॉलिप कोरल टिश्यू को डैमेज कर देंगे, लेकिन फिश ओनली में रहेगा प्रोवाइडेड थोड़ा हाई डेंसिटी में। जनरली ये फूड को लेकर बहुत ज़्यादा नोटोरियस नहीं है, ये किसी भी फूड पर बहुत ज़्यादा इजीली अडेप्टेड हो जाता है। ये फ्रेटलिन बटरफ्लाई की तरह ही थोड़ा इजी कीपिंग बटरफ्लाई है, लेकिन बिगिनर्स बटरफ्लाई तो बिल्कुल ही नहीं है। बटरफ्लाई हमेशा
दो तीन महीना बाद ही आपको रखना चाहिए, और ये बटरफ्लाई रखने के लिए प्लेंटी ऑफ लाइव रॉक विल रिक्वायर्ड इन योर टैंक। सिमिलर आपका टैंक का साइज थोड़ा बड़ा होना है और प्लेंटी ऑफ लाइव रॉक वहाँ होना है, क्योंकि ये बटरफ्लाई लाइव रॉक से ही चुन चुन के अपना खाना खाते हैं, जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, और लाइव रॉक में केव में वो खेलेंगे सो साइकोलॉजिकली उनको नेचुरल फील भी होगा। नाउ द डिफरेंस पॉइंट ऑफ वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई मीन्स चिटोडॉन वेगाबॉन्डस, ये जो वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई है इसका पिक्चर देखिए, पिछले बटरफ्लाई से काफी सिमिलर है। इस बटरफ्लाई को वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई और क्रिस्कस बटरफ्लाई भी कहते हैं, ये दोनों स्पीसीज सिमिलर है। ये कहाँ पाया जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई इज फाउंड इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। नेचुरली इनका जो हैबिटेट और बायोलॉजी है ये जानना बहुत जरूरी है, यही चीज पेंटेड बटरफ्लाई से इसको अलग करता है, इसका हैबिटेट और बायोलॉजी। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि मछली रखने के लिए, फिश रखने के लिए आपको फिश का बिहेवियर, हैबिटेट, बायोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस फिश को बचा पाओगे और रख पाओगे। द वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई इज फाउंड इन रीप एरिया इंक्लूडिंग कोस्टल रीप फ्लैट विद इन द रीप। रीप एरिया में पाया जाता है, कोस्टल रीप फ्लैट एरिया में पाया जाता है, लेगून एंड मोर एक्सपोज्ड आउटर रीप स्लोप। इसका रेंज बहुत ज्यादा है, ये लेगून में भी पाया जाता है, ये आउटर रीप स्लोप में भी पाया जाता है। ये एक चीज इस बटरफ्लाई के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, ये बटरफ्लाई का वास्ट रेंज है। सबसे पहले तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये वेगाबॉन्ड बटरफ्लाई बहुत बड़े रेंज में फैला हुआ है। ये रेंज में फैला होने की वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर बहुत वर्सटाइल हो जाता है। हर जगह का पानी का टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, टेम्परेचर वेरी करता है, गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी। ये बटरफ्लाई भी आपके टैंक में गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी, ये वास्ट रेंज को टॉलरेट कर पाता है। ये बटरफ्लाई लेगून में भी पाया जाता है, जहां फ्रेश वाटर प्लाम आता है, मतलब नदी से फ्रेश वाटर घुसता है। सो ये बटरफ्लाई वन ऑफ द ओनली बटरफ्लाई जो बहुत लो डेंसिटी में सर्वाइव करता है, इवन डेंसिटी 10 भी हो तो सर्वाइव कर जाता है, ये है इसका यूनिकनेस। ये बहुत लो डेंसिटी में सर्वाइव कर सकता है और हाई डेंसिटी में भी कर सकता है, इसका फूड वर्सटिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वास्ट रेंज में फैला हुआ रहता है, इसलिए ये कुछ भी खाता है। सो ये बहुत इजी कीपिंग है। रीफ ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका वर्सटाइल नेचर की वजह से ये रीफ को डैमेज करता ही करता है, लेकिन फिश ओनली टैंक में ये बहुत बहुत क्रूशल और क्लोज रिलेटिव है थ्रेटिंग बटरफ्लाई का। दोनों का बॉडी पैटर्न सेम है, बस पीछे का कलर अलग है, लेकिन क्रिस्क्रॉस पैटर्न दोनों का सेम है। सो हमारे बटरफ्लाई लिस्टिंग में ये टॉप रैंकिंग बटरफ्लाई में एक बटरफ्लाई आता है। जो बटरफ्लाई हम पूरा बटरफ्लाई सेशन कंप्लीट जब करेंगे, वहां पर हम रैंक करेंगे कि कौन सा बटरफ्लाई टॉप रैंक वन में आता है, कौन सा बटरफ्लाई लास्ट रैंक में आता है, सो दैट आप सिलेक्शन कर सकते हो उस रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन उस रैंकिंग का डिस्टिंक्शन तभी हो पाएगा जब हम सारे बटरफ्लाई के बारे में पूरा नॉलेज शेयर कर लेंगे, पूरा डिस्कशन कर लेंगे। ये समुद्र में बड़ा एरिया कवर करके रहते हैं, बड़ा टेरिटोरी कवर करके रहते हैं और पेयर में रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना फीडिंग टेरिटोरी बनाते हैं। मतलब मान लीजिए एक 10 स्क्वायर फीट का एरिया हो, ये टेरिटोरी उसका होता है समुद्र में। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है, आधा किलोमीटर का एरिया हो जाता है, या 200-300 मीटर का एरिया हो जाता है, 200-300 मीटर लेके ये है एक सर्कल टेरिटोरी में। यहाँ पर ये उनका फीडिंग टेरिटोरी है, ये फिश उसी एरिया में ही अपना खाना ढूंढेंगे और खाना खाएंगे। अगला कोई वेगाबॉन्ड का पेयर आएगा तो वो मार के भगा देंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स है बटरफ्लाई के, बहुत सारे बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस करना है, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग नेचर। तो इनका ये अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग नेचर आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइए। हम जो ये सीरीज शुरू किए हैं नॉलेज शेयरिंग का सीरीज, ये नॉलेज शेयरिंग का सीरीज में आपको कितना फायदा हो रहा है जरूर हमें बताइए। अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बटरफ्लाई ग्रुप के आने वाले दिन में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अलग अलग नेचर वर्सटिलिटी के बारे में, ये जानने के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो भी वीडियो आएगा जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, हर हर महादेव।